मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव, और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही है, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का यह काम तेजी से हो, इसलिए इन सड़कों पर, बिजली के प्रोजेक्ट्स पर, अस्पतालों पर, स्कूल कॉलेजों पर, मोबाइल फोन के टावर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। आज भी यहां इनसे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब जब यहां सड़कें बन रही हैं, पानी पहुंच रहा है, तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विकसित करने की योजना भी शुरू हुई है, इन योजनाओं पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इतना सारा पैसा उत्तराखंड के हमारे छोटे छोटे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2200 करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, यहां तो मोटा अनाज श्री अन्न भी अनेक पीढ़ियों से उगाया जाता है। मैं जब आपके बीच में रहा करता था, बहुत समय काटा है आपके बीच में, तब घर घर में मोटा अनाज भी खूब खाया जाता था। अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को, श्री अन्न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए देश भर में एक अभियान शुरू किया गया है। इनका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तराखंड के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है।